इंडिया का सबसे कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस एक बार फिर से आप सभी को अक्टूबर के महीने से खबरों के मुताबिक आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल शो कहे जाने वाले बिग बॉस सीजन 14 को लेकर काफी सारी नई खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर आप सभी को बता दें कि सलमान खान का शो बिग बॉस का नया सीजन अक्टूबर में शुरू हो सकता है, ऐसी खबरें बताई जा रही हैं। लेकिन बिग बॉस टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो है। इस साल बिग बॉस के घर में कुल 16 सदस्यों की एंट्री होगी। इनमें 14 सेलेब्स होंगे और 3 कॉमनर्स होंगे। सूत्रों के अनुसार सलमान के शो में इस बार कंट्रोवर्सी से भरी राधे माँ बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले सकती हैं। इस मामले में अब तक चैनल या मेकर्स द्वारा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। राधे माँ को बिग बॉस 14 के लिए अप्रोच किया गया है, ऐसी खबरें सामने आई हैं। सुखविंदर कौर, जो राधे माँ के रूप में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती हैं, उनसे पिछले सीजन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा संपर्क किया गया था, लेकिन तब उन्होंने शो में एंट्री नहीं ली थी। बिग बॉस 14 को लेकर जबरदस्त फैंस में क्रेज देखने को मिल रहा है। अभी से ही पहले शो के सितंबर के महीने में ऑन एयर होने की खबरें थीं, लेकिन अब शो के अक्टूबर में टेलीकास्ट होने की रिपोर्ट से। हालांकि अभी तक इसे लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों आपको याद ही होगा वो सीजन जिसमें ओम बाबा आए थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचाया था घर के अंदर, क्योंकि उनकी असलियत सभी के सामने आई थी। राधे माँ को लेकर भी कई सारे ऐसे ही अभी तक अफवाहें सामने आई हैं जो उनको कॉन्ट्रोवर्सियों से क्रिएट करती हैं। कॉन्ट्रोवर्सियों से भरी राधे माएँ अगर बिग बॉस के घर में अपने कदम रखती हैं तो इस बिग बॉस सीजन 14, जो पहले से ही कॉन्ट्रोवर्शियल कहा जाता है, उसमें ना जाने कितनी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होगी उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी से भरे जब बिग बॉस सीजन का आगाज कुछ इस प्रकार से होगा तो फैंस में क्रेज तो देखने को मिलेगा ही। जहां करोड़ों फैंस सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस की डेट का अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं, तो राधे माँ की एंट्री क्या आप सभी को हिलाकर रख देगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।